जय महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। आज हम लोग मिथिला के पावन धरती कुशेश्वर स्थान में हैं और ये अस्मा पुल के पास, हर साल की भांति इस साल भी अस्मा पुल के पास बाबा कुशेश्वर स्थान सेवा संस्थान के द्वारा जो सेवा के लिए भावना से लगाया जाता है कैंप, वहीं पे आज हम हैं। आपको बता दे, पिछले सोमवार में हमने बताए थे सेल्फी पॉइंट के बारे में, जो कि सेल्फी पॉइंट लगा हुआ है आज यहाँ पर में, ये अस्मा पुल के पास है, ये स्थान जगह है। कुशेश्वर स्थान जाने से पहले अस्मा पुल के पास है, अस्मा पुल से मुश्किल से 10 कदम की दूरी पे, देखिए ये आई लव कुशेश्वर स्थान, ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया, हर साल बनाता है, इस बार भी बनाया है, लेकिन इस बार चौथे सोमवार को बना है। ये सेल्फी पॉइंट है और यहाँ पर में इस बार एक नया जो है यूनिक चीज है वो आपको बता दे, इसमें एक अच्छा ये चीज नया जुड़ा है, जिस बार भंडारा का भी व्यवस्था है। ये चौथा सोमवारी को लेके भंडारा भी चल रहा है, यहाँ पर में प्रसाद भी मिल रहा है। आप लोग यहाँ अगर आ रहे हैं तो प्रसाद ग्रहण जरूर करें। आइए दिखाते हैं आपको, यहाँ पे जो प्रसाद के लिए काफी सारा लाइन लगा हुआ है और ये संस्था के द्वारा जो है प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, विशाल भंडारा सब प्रसाद। देखिए देखिए, ऊपर बैनर लगा हुआ है, श्री बाबा कुशेश्वर सेवा संस्थान विशाल भंडारा सब प्रसाद वितरण। ये जो है इनके द्वारा किया जा रहा है, अमितेश कुमार शिक्षक हैं, उनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है इस संस्था को। और ये काफी सारे भीड़ लगा हुआ है, क्या नाम है भाई साहब आपका? जी अमित कुमार। अमित कुमार, आज यहाँ पे काफी सारा जो है भंडारा का व्यवस्था किया गया है। देखिए, बाबा कुशेश्वर सेवा संस्था एक स्वयंसेवी संस्था है और खास करके यहाँ के युवाओं, खास करके यहाँ के युवाओं के द्वारा ये संस्था चलाई जा रही है, जिसमें सावन के माह में हर सोमवार में यहाँ पे विशेष व्यवस्था की जाती है, जैसे कि निःशुल्क शुद्ध पेयजल की सुविधा, निःशुल्क चाय की सुविधा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, बिस्किट अल्पहारी और साथ ही आज महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। ये महाप्रसाद का जो व्यवस्था किया गया है, ये कैसे विचार है? ये मतलब बाबा कुशेश्वर सेवा संस्था विगत कई वर्षों से लगातार कमरियों की सेवा करते हुए आ रहा है एवं जनहित में हरेक काम कर रहा है, जिसमें हमारे सहयोगी, जैसे कि आज के हमारे सहयोगी एक बेस्पोदार महासभा जिला इकाई दरभंगा का आज हमारे सहयोगी अग्रवाल एटिकल मिर्जापुर दरभंगा के सहयोगी हैं, साथ ही आज अमरेश कुमार शिक्षक एवं उसकी धर्मपत्नी रेणु कुमार शिक्षिका आज वो हमारे सहयोगी हैं, उनके सहयोग से लोग सहयोग करते हैं और हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। संजीव कुमार अग्रवाल। ये जो बाबा कुशेश्वर सेवा संस्थान है, इनके द्वारा हर साल जो है ये प्रोग्राम रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसमें अगर कोई सहयोग करना चाहता है, कोई मदद? हाँ बिल्कुल, हमारे संस्था की, हमारे बाबा कुशेश्वर सेवा संस्थान का दरवाजा 24 घंटा खुला हुआ है, कोई भी अगर सहयोग करना चाहते हैं तो आप, कोई दिक्कत नहीं, सबका सहयोग, सबका साथ करना है, सहयोग हमारा काम ही सहयोग करना है, सेवा करना है। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे संस्था की तरफ से, संपर्क अगर कोई करना चाहे, हाँ संपर्क करना चाहे तो कुशेश्वर स्थान में हमारी ऑफिस है, या तो थाना के बगल में हमारे अध्यक्ष जी राजीव पोदार जी हैं, उनके यहाँ घर पे ऑफिस है, वहाँ आके आप संपर्क कर सकते हैं और आपको जो भी सहयोग जिनको देना हो। अगर उनको बाय चांस कहीं दूर दराज के जो हैं वो चाहते हैं, हम मदद करना चाहें तो कैसे संपर्क करें, कोई मोबाइल नंबर? इनका मोबाइल नंबर भी है, जैसे कि आपको मोबाइल नंबर हम बता रहे हैं 8651661503 एवं 8405070017, इसका ये नंबर है। अगर आप इस सेवा संस्थान में, बाबा कुशेश्वर स्थान सेवा संस्थान में सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग की राशि देना चाहते हैं, थोड़ा सा हो जाइए तो आप, अगर सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं ताकि हम भी बम के वो सेवा करें, मदद करें, तो देखिए ये नंबर है आपका, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके इनसे संपर्क कर सकते हैं, आप सहयोग दे सकते हैं, जो चीज से सहयोग देना चाहते हैं सहयोग राशि भी भेज सकते हैं, या कुछ जो चीज से आप मदद करना चाहते हैं इस संस्था में मदद कर सकते हैं। अभी एक सोमवारी और बाकी है, उस रोज पूर्णिमा भी है, रक्षाबंधन भी है और सोमवारी भी है 19 तारीख को, ये सोमवारी बाकी। आइए अब हम दिखा रहे हैं आपको प्रसाद जो मिलता है, उसमें देखिए प्रसाद कैसे श्रद्धालु कतार बधाते हैं और प्रसाद लेकर के, बाबा का प्रसाद है, ये सब प्रसाद ही है, श्रद्धालु को सेवा किया जाता है। देखिए प्रसाद लेकर कैसे आते हैं और आराम से अपना पंक्ति बद लेकर के जा रहे हैं और सेवा करने के लिए, देखिए हमारे भाई लोग एकदम तत्पर हैं, सुबह से ही लगे हुए हैं सेवा में। सुबह से कब से आप लोग हैं? रात के 12 बजे से हम लोग हैं यहाँ, 12 बजे पूरी रात जगे हैं, 12 बजे से जग के सेवा के लिए तत्पर हैं ये लोग और आप लोगों की सेवा दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। बस आप लोग से विनती है, जो प्लीज आते हैं बाबा का पूजा करने तो आराम से पूजा करिए और आइए, किसी से बहस ना करें, कहीं झगड़ा ना करें, क्योंकि आज जो हम देखे हैं, आइए बढ़िए,
आज जो हम देखे हैं हम लोग को भी बहुत थोड़ा बुरा लगा, प्लीज ऐसा ना करें। जगह जगह पे लड़ाई झगड़ा करना, जब आ रहे थे देखे तीन चार जगह पे आप लोग आपस में ही लड़ रहे थे। ये बाबा का पूजा करने आते या लड़ने आते, जब रास्ता में भीड़ है तो थोड़ा बहुत गलती तो हो ही जाता है, तो अब इसका मतलब ये नहीं आप मारपीट कर ले। उसको आराम से समझाएं भाई ऐसा गलती दोबारा मत करो, मारपीट करना अच्छा नहीं है, मारपीट करिएगा चोट लगेगा, कान कपाड़ टूटेगा, फिर हॉस्पिटल जाइएगा और घर पे आपकी परिवार इंतजार करेंगे जो कहां गया अभी तक पूजा करके नहीं आया। इसके लिए ऐसा ना करें और प्रशासन से बहस ना करें, प्रशासन को सहयोग करें। अगर प्रशासन आपको रोकता है कहीं तो रुक जाइए, गाड़ी बोलता है साइड में लगा देने तो लगा दीजिए। प्रशासन आपकी सहायता के लिए ही तत्पर है, उनको ये नहीं है उनका भावना जो आपको तकलीफ दे, वो भी आपकी सेवा के लिए ही खड़ा रहता है, उनको मदद करें। जगह जगह पर में सेवादार के द्वारा सेवा किया जाता है, अनेकों संस्थान है जिनके द्वारा सेवा किया जाता है, तो आप लोग उनका सहयोग ले सकते हैं। मेडिकल का सेवा भी उपलब्ध है जगह जगह पे, अगर किसी को चोट लगता है कुछ होता है। आसमा पुल के पास यहाँ पर में जो बाबा कुशेश्वर सेवा संस्थान है, इनके पास डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर से आप आकर के वहाँ पे जो है ले सकते हैं, सेवा ले सकते हैं अगर कहीं चोट लगे या कोई दिक्कत हो तो, या नहीं तो आप सेवा संस्थान के द्वारा। देखिए यहाँ पे चाय भी वितरण किया जाता है सेवा संस्थान के द्वारा, चाय बिस्किट, आगे आपको पूरी सब्जी जलेबी ये सब है, बुंदिया है, ये सब जो प्रसाद के रूप में मिलता है। और देखिए डॉक्टर साहब भी उधर बैठे हुए हैं, वहां पर मैं डॉक्टर साहब का भी टेबल लगा हुआ है। अगर आपको कहीं पे कोई तकलीफ है या चोट लग गया तो घबराइए मत, यहां आकर के आप आसमा पुल के पास जो ये संस्थान है वहां से आप दवा ले सकते हैं। यहां पे डॉक्टर साहब फ्री दवा दे रहे हैं, सेवा संस्थान के द्वारा फ्री सेवा किया जा रहा है। आपको ये नहीं सोचना है जो चोट लग गया या कोई क्षति हुआ तो हमको पैसा दे के दवा मिलेगा, ऐसा सेवा संस्थान के द्वारा सेवा किया जाता है, फ्री सेवा है, आपको फ्री सेवा दिया जाएगा, फ्री इलाज किया जाएगा यहाँ पर में। हाँ अगर कुछ सीरियस है तो यहाँ से फिर रेफर किया जाएगा आगे, भले सीएससी पीएससी है वहाँ भेज दिया जाएगा। और आप लोग से ये आग्रह है बार बार जो झगड़ा लड़ाई ना करे, रास्ते में मारपीट ना करे, जैसे आज हम देखे काफी सारी जगह पे आप लोग मारपीट कर रहे थे, ये गलत है। अगर हो सकता है भीड़ में गलती हो जाता है, सबसे होता है, इंसान से ही गलती होती है, तो उसका यही रास्ता है समझा करके उनको समझा दिया जाए। अगर आप लोग देखते हैं कहीं दो लड़ रहा है दो लोग तो उनको छुड़ा दीजिए, बल्कि उनको और बल मत दीजिए जो मारो मारो ये सब चीज गलत है। बहुत सारे लड़का को देखे चिल्ला करके बोलाता है मारो मारो, इससे क्या होता है सामने वाले को जो है अंदर एक तरह का ये ईगो आ जाता है जो नहीं अरे पूरा लोग बोल रहा है तो मारे, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। जो भी आपका भाई बंधु ही है और उसके साथ लड़के क्या होगा, आप पूजा करने आए ना बाबा का तो पूजा कीजिए, पूजा करके आराम से जाइए, लड़ने से क्या फायदा। धन्यवाद।